गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पोरिंजिया। बीजाणु धानी का विकास। आई डिस्क्राइब स्पोरिंजियम। आई डिस्क्राइब्ड अबाउट स्पोरिंजियम। व्हाट इज स्पोरिंजियम? व्हाट इज स्पोरिंजिया? पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने बताया था कि बीजाणुद्भिद पादप के अंदर जो जनन की क्रिया है वो स्पोर्स के द्वारा होती है। टेडोफाइट्स के अंदर बीजाणु के द्वारा जनन की क्रिया होती है। अब ये बीजाणु कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानियों के अंदर। और ये बीजाणु जो है होमोस्पोरस भी होते हैं और हेटरोस्पोरस भी होते हैं। होमोस्पोरस जिनके अंदर स्पोर्स एक समान होते हैं, एग्जाम्पल लाइकोपोडियम इक्विसिटम, अथवा हेटरोस्पोरस जिनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोरस एंड मेगास्पोरस, एग्जाम्पल सिलिजनेला मार्सेलिया। लघु बीजाणु व गुरु बीजाणु, यानी लघु बीजाणु धानियों में और गुरु बीजाणु धानियों में बनते हैं। इस तरह से बीजाणु धानिया जो है कहाँ लगी रहती है? पत्ती की ऊपरी सतह पर विकसित होती, जिन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है। गुरु बीजाणु धानियों युक्त बीजाणुपर्ण गुरु बीजाणुपर्ण और लघु बीजाणु धानियों युक्त बीजाणुपर्ण लघु बीजाणुपर्ण कहलाते हैं। कुछ पादपों में जैसे एडियंटम टेरिस आदि में बीजाणुपर्ण बीजाणुद्भिद पादप पर समान रूप से विकसित होते हैं, जबकि अन्य में जैसे सिलिजनेला लाइकोपोडियम आदि में ये पादप के शीर्षस्थ भाग में सहत संरचना स्ट्रोबाइलस अथवा शंकु बनाती है। और अधिकांश फर्न है उनमें बीजाणु धानिया सोराई कहलाती है, जिनके अंदर इंडूशियम पाया जाता है। मार्सिलिया अजोला आदि जलीय वंशों में बीजाणु धानिया स्पोरोकार्प नामक विशेष संरचना में उत्पन्न होती है। साइलोटम राइनिया आदि वंशों में बीजाणु धानिया स्तंभिक होती है। इक्विसिटम में बीजाणु धानिया छत्रिकाकार संरचना स्पोरेंजियोफोर की निचली सतह पर लगी रहती है। बीजाणु धानी धर जो संरचना है वो फलक क्या है? संघनित व रूपांतरित फर्टाइल ब्रांचेस होती है जो अक्ष पर विन्यासित होकर शंकु का निर्माण करती है। इस डायग्राम में आपको डिफरेंट टाइप की बीजाणु धानियां दिखाई दे रही। तो आज इस वीडियो में हम बीजाणु धानियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरिंजियम, उनका परिवर्धन किस तरह से होता है। बीजाणु धानियों का परिवर्धन दो प्रकार से होता है, यूस्पोरिंजेट परिवर्धन और लेप्टोस्पोरिंजेट परिवर्धन। यूस्पोरिंजेट डेवलपमेंट में इस डायग्राम में देखिए, इसका चार्ट है। इस प्रकार की डेवलपमेंट में सतही कोशिकाओं का एक समूह बीजाणुधानी स्पोरिंजियल इनिशियल का कार्य करता है। इन कोशिकाओं में फिर पेरिक्लिनल डिवीजन से जैकेट इनिशियल तथा भीतरी प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनती है। जैकेट प्रारंभिक कोशिकाओं से बीजाणु धानी की बहुस्तरीय भित्ति तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणु बनते हैं। एग्जाम्पल इसमें साइलोटम लाइकोपोडियम सिलेजनेला, इनके अंदर यूस्पोरिंजेट टाइप का बीजाणु धानी का परिवर्धन होता है। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें आरेखीय डायग्राम है। ये सबसे सतही कोशिकाओं का समूह, इस सतही कोशिकाओं के समूह से
बाह्य जैकेट प्रारंभिका बनती है और इस बाह्य जैकेट प्रारंभिका से बीजाणुधानी भित्ति बनती है और टेपिटम बनता है। भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजन उत्तक बनता है और फिर इन बीजाणुजन उत्तक से अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह का ये जो परिवर्धन है ये यूस्पोरिएंजिट टाइप का परिवर्धन होता है, जिसमें सतही कोशिकाओं का एक समूह है जो पूरा समूह ही बीजाणुधानी प्रारंभिका की तरह कार्य करता है। फिर जो दूसरे टाइप का परिवर्धन है वो लेप्टोस्पोरेंजिट टाइप का परिवर्धन होता है, जिसमें एकमात्र सतह कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिका का कार्य करती है। उसमें एक समूह होता है और लेप्टोस्पोरेंजिट में सिर्फ एक कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिका का कार्य करती है। बीजाणुधानी प्रारंभिका में फिर वापस उसी तरह पेरिक्लिनल डिवीजन से बनी बाह्य कोशिका से संपूर्ण बीजाणुधानी का निर्माण हो जाता है। भीतरी कोशिका बीजाणुधानी के परिवर्धन में भाग नहीं लेती। लेप्टोस्पोरेंजिट टाइप की बीजाणुधानी में यूस्पोरेंजिट बीजाणुधानी की तुलना में बीजाणु की संख्या कम होती है। इसके अतिरिक्त इसमें जैकेट भी एक स्तरीय होती है, एग्जाम्पल एडिएंटम मार्सीलिया। इसका जो रेखीय डायग्राम है उसमें भी ये शो हो रहा है कि एकमात्र सतह कोशिका, उससे बाह्य कोशिका और भीतरी कोशिका बनती है। बाह्य कोशिका में तिर्यक डिवीजन होने के बाद में शीर्ष कोशिका बनती है और इस शीर्ष कोशिका से तीन कोशिकाएं बनती है। शीर्षस्थ कोशिका नीचे की तीन कोशिकाएं से जैकेट का निर्माण हो जाता है और आधारी कोशिका से व्रंत बन जाता है और भीतरी कोशिका अविभाजित रहती है। उसके बाद में शीर्षस्थ कोशिका जो है उससे बाह्य जैकेट प्रारंभिका और इस बाह्य जैकेट प्रारंभिका से जैकेट का ऊपरी भाग बनता है और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से टेपिटम और बीजाणुजन उत्तक और इस बीजाणुजन उत्तक से फिर बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। तो इस तरह से लेप्टोस्पोरेंजिट बीजाणुधानी का परिवर्धन होता है। तो इस तरह आप इस वीडियो को सुनिए और इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया, एग्ज़ाम में आता है आपके, तो इसको समझिए कि किस तरह से बीजाणुधानियों का विकास होता है। इस कोरोना के समय में आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र, टेक केयर, बाय बाय।